हेलो हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? यू आर वाचिंग नाउ पाकिस्तानी जीनियस रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आई एम छेज भाई धान। माय राइट साइड हाफज भाई एंड माय लेफ्ट साइड योर होस्ट एंड योर फ्रेंड्स भट्टी भाई। अस्सलाम वालेकुम। या एंड यू आर वाचिंग Katangre specialist on this time. Yeah, and our YouTube channel. Our channel name is a Pakistan Instruction YouTube channel. अंग्रेजी बड़ी जोर ना लाई हुई है तो मैंने उन्हें कैसे काटे हो? बार बार नहीं आए। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो वीडियो को तलक बताएंगे आपको। मेरी राइट साइड पे बैठे हुए हाफिज भाई। हाँ जी। तो वीडियो है जी गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी का बहुत नाम सुना है, बहुत दोस्त कहते हैं कि आप उस पर रिएक्ट करें। हाँ जी भाई, नई गिफ्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी है। अच्छा भाई, आगे बताएं ना, मुझे पता चल गया। बता दिया ना भाई। चलो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। आप फटी भाई की बात सुन लें तो चले आए वीडियो देखते हैं। जी चले आए जी वीडियो देखते हैं। ये फटी भाई की बात चेक कर दो। गिफ्ट सिटी ग्रीनरी चेक कर। हेलो गाइस, मैं चैतन्य पटेल और आज मैं आपको गिफ्ट सिटी का पूरा एक फुल अपडेट दे रहा हूँ। 2020 का ये वीडियो है। आज की डेट मैं आपको बता दूँ, 18 जुलाई 2020 एकदम लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ आपको। और वीडियो में आपको 4K क्वालिटी मिलेगी। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज, और लाइक भी करो, और वीडियो में कमेंट करो कि आपको किस तरह के आगे वीडियो चाहिए। आपका कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, तो प्लीज कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक भी करना। लास्ट वीडियो हमारा 312,000 क्रॉस कर गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह इस वीडियो में भी आपका प्यार दिखाइएगा। और गुजरात में रहते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद लाइक तो बनता है, बिकॉज ये गिफ्ट सिटी हमारे गुजरात के लिए नंबर वन बनने वाली है फ्यूचर में, याद रखिएगा ये बात को। मैंने जो वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करी है वो ऑलमोस्ट कवर किया है मैंने। वीडियो के अंदर गिफ्ट सिटी पूरी कवर करी है। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो वो गिफ्ट वन टावर है, और गिफ्ट वन के सामने हीरा नंदानी का जो टावर है वो भी मैंने आपको दिखाया वीडियो के अंदर। और गिफ्ट सिटी के अंदर इसकी खुद की डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम भी है, जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। गिफ्ट सिटी के अंदर जो मेरे सामने देख रहे हो BIFC का टावर है, पीछे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी अभी एकदम रेडी हो गया है। और जो हम बोल सकते हैं कि SBI का टावर बन रहा है, होटल बन गई है, क्लब हाउस रेडी है, स्कूल रेडी है, फायर स्टेशन रेडी है, ऑलमोस्ट ये सिटी रेडी है। और कई लोग ये वीडियो देखने के बाद बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये सिटी रेसिडेंशियल तौर पे अभी डेवलप हो गई है, ऐसा नहीं है यार। रेसिडेंशियल एरिया इसके पीछे है, और ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर के अंदर आता है, याद रहे। ये गांधीनगर जो कैपिटल सिटी है गुजरात का, उसकी अंडर डेवलप हो रहा है। और ये हम बोल सकते हैं कि एक फाइनेंस टेक पूरी सिटी बनेगी, यानी फाइनेंस कंपनी और टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी यहाँ पर होगी। और यहाँ फ्यूचर मुझे जहाँ तक लग रहा है तो कंपनीज, और उसके कारण यहाँ फ्यूचर बहुत अच्छा है। नज़दीकी इलाके में रेसिडेंशियल कॉलोनीज वगैरह बहुत डेवलप्ड हो रहा है। आप अगर यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ की एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर की भी वेबसाइट है, उसको भी आप सर्च कर सकते हो कि यहाँ रेसिडेंशियल फ्लैट्स वगैरह क्या रेट पे मिलेंगे।
सिटीज पे रिएक्ट किया था, तो वो मेरे ख्याल से ना एनिमेटेड वीडियो थी। वाकई ही इंडिया वालों के लिए एक गिफ्ट है यार। बाकी वो तो एनिमेटेड वीडियो थी, लेकिन ये तो रियल में यार, रियल में ऐसा फील हो रहा जैसे एनिमेटेड है यार। मैं कह रहा हूँ कि इनकी तो आप जाके वहाँ पे व्यू चेक करें, रोड चेक करें यार, ग्रीनरी चेक करें, बिल्डिंग चेक करें, वाकई अमेजिंग है यार। उन इंजीनियर को वो वाकई बा कमाल इंजीनियर होंगे जिन्होंने इस तरह का स्केच बनाया होगा भाई यार। जितनी डेवलपमेंट हो गई है ना, जितनी जरूरी डेवलपमेंट थी वो हो चुकी वो है, वो टोटल हो गया। अंडरग्राउंड वायरिंग हो गई सारी, स्कूल बन गए, हॉस्पिटल बन गए, पार्किंग बन गए सारे यार। पार्किंग बनने की जरूरत ही नहीं है यार, पार्किंग नहीं पार्क ही पार्क बनने पार्क बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जबकि वैसे ही कुदरत इतनी ग्रीनरी मिल रही है आपको यार। वाकई यार ताज़ा हवा होगी, क्लीन एंड क्लियर रोड है आपके, साफ सुथरा माहौल। एक ऐसे जैसे ना एक समझ लें कि कंप्यूटर भी आप स्केच बनाते हैं ना, एक वो ही सब कुछ नज़र आ रहा है। हालांकि ये जेन्युइन है, ओरिजिनल है, मगर वाकई दिल खुश कर दिया इस चीज़ ने देख के। गिफ्ट सिटी हमने नहीं देखी थी यार वाकई। तो ये आप उन भाई ने बताया था कि ये इनकी प्राइस भी आप पूछ सकते हैं कि क्या ये आप किस हिसाब के साथ वहाँ पे सेल होता है। ये हमारे पाकिस्तान में एक मरले के हिसाब से सेल होता है, एक मरले में होते हैं तकरीबन 270 फीट। हाँ जी 270 फीट। उसमें हाफिज भाई इस तरह है कि ये ना जगह का डिफरेंस आता रहता है, जैसे हम जाते जाएंगे कैपिटल सिटी की तरफ जगह का डिफरेंस कम हो जाएगा। लाहौर में 220 फीट का है। हाँ, वो इसी तरह ही है। तो आपके वहाँ पे क्या फरमाइश चलती है, क्या चलती है फीट के हिसाब से, स्केल फीट के हिसाब से या मरले के हिसाब से? क्योंकि जेजे भाई इंटरेस्टेड है, वैसे भी जेजे भाई को बहुत शौक है, ये प्रॉपर्टी बहुत खरीदते हैं यार। तो इन्होंने अब तक करोड़ों की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली है, करोड़ों की, वो अल्लाह का शुक्र है। मगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसका क्या रेट होगा, क्या प्राइस होंगे इनके, मरला स्केयर फुट क्या हिसाब होगा भाई? आपने वैसे लेनी भाई ये देखे ना जेजे भाई, अपने जितने व्यूअर्स हैं ना, मैं एक बार बोल दूं इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं, काफी सारे लोग जो हैं इसके अलावा लेना चाहते होंगे। इसके अलावा मैं ये पूछ रहा हूँ हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए कि इंडिया में गाड़ी सस्ती, बाइक सस्ती, मोटरसाइकिल महंगी, नहीं बाइक भी सस्ती महंगी, जिस तरह की बाइक कार की बनिस्बत बाइक महंगी, बाइक जो रियलिटी है ना, मेरी बात सुन ले, मेरी बात, 1340 cc की बाइक है ठीक है, इधर 1300 भाई वो तो हाले भूसा है ना, तो हाले भूसा गाड़ी होगी। अब ओडी गाड़ी जे जे भाई हम ये गिफ्ट सिटी के लिए आए हैं, आप किधर चले गए? आप हाले भूसा किधर? सर मैं यही बात करने लगा हूँ कि वहां पे इंडिया पे आप हमने जो भी वीडियो देखे ना, सारा यार सस्ता माहौल है, लेकिन बाइक्स महंगी है, कार सस्ती है, सोफा एंड बेड, बाइक्स कार के सोफा बेड देखा आपने? जे भाई सोफा बेड देखा आपने? इन्फॉर्मेटिव जे जे भाई इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मां अपने व्यूअर से लेते हैं। अच्छा जी ये आपके जो करेंसी नोट है वहाँ बड़े से बड़ा नोट कितने रुपए भाई? उधर 2000 का है, गूगल कर लो भाई। देखिए ना हमारे भाई बात तो करने दो, गूगल पे तो सारा कुछ लिखा हुआ है, पहले पंगा ले लेना पांच के हमारे ये गूगल कर दिया कर ये छोटे छोटे सवाल है, छोटे छोटे सवाल। और इसके ऊपर जो करेंसी नोट भी होना वैसे तसल्ली नहीं, करेंसी नोट्स हैं वो टेप वगैरह लगा के यूज हो जाते हैं, यूजेबल है भाई। हम गिफ्ट सिटी पे बात कर रहे हैं, आप इसे टोक रहे थे यार, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने पता क्यों बार पूछी, ये सिर्फ करेंसी नोट्स सर, मैंने इस वजह से पूछा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया में हमने जो जिस वीडियो पे रिएक्ट यार भाई उसकी बात पूरी होने दे, नहीं नहीं उसकी पूरी होने दे भाई, पहले उसने पूरी कर ली, नहीं अभी टेप लगा के लोड चलता है कि नहीं चलता ये बता देना आपने। नहीं भाई तो पहले उसकी बात होगी, हमारे यहाँ पे 5000 का नोट है, वहाँ पे कितने हजार का नोट चलता होगा, बड़े से बड़ा, इतना बड़े से बड़ा कितना हमारे पास इतना बड़ा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया में हर चीज़ सस्ती है। हमने सोफा बेड देखा आपने? सोफा बेड देखा था ऐसे, सोफा कम बेड, हाँ तो डिग्गी भी थी उसकी, डिग्गी उसमें सब कुछ मिलता था ठीक है, तो वो भी बहुत सस्ता था। फर्नीचर देखा हमने, वो भी बहुत सस्ता था। कार के पार्ट्स देखे हमने, वो भी बहुत सस्ते, बस एक चीज महंगी, बाइक के पार्ट्स देखे वो भी बहुत सस्ते थे, एक चीज महंगी लगी भाई, वो भी सस्ती थी। बाइक्स के कौन से पार्ट्स देखे आपने भाई? मैं बाइक्स देख ली, पार्ट्स कौन से देखे? वो बाइक देखी, पार्ट्स इधर देख लेते हम जाके भाई। एक बात है मेरी बात सुने, जो बाइक्स है ना इंडिया में वो मुझे पाकिस्तान की बनिस्बत महंगी लगी। एक मिनट, हो सकता है क्वालिटी में डिफरेंस हो, एक 100 cc तो शुरू होती भाई। ये मैं आपकी बात काट रहा हूँ भाई, हमारे 100 cc इधर होंडा की जो बाइक है ना वो 85,000 की है,
जो इंडियन 40,000 बनता है, वो क्वालिटी वाइज किसी चीज में काम नहीं है। वो क्वालिटी जो वादा अपने तो भाई वो होंडा की बाइक, हाँ तो उधर जैनवन मिल दी है उनकी जो चैनल मोबाइल बाहर मिलते हैं तो कमाल दे। अच्छा जी मैं सही गल कर रहा हूं, उथे इंडिया नु अगले सही चीज बना के देंगे अगले भाई। मेरी बात सुने, पाकिस्तान में एक मिनट, पाकिस्तान में पता क्या मसला है बाइक्स की, पाकिस्तान में बाइक सस्ती होने की वजह ये है कि जैसे इंडिया में कार की मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे ही पाकिस्तान में बाइक्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग तकरीबन हर शहर में ही बाइक्स तैयार हो रही है। अभी एक दो बाइक्स कंपनीज ने अपनी कार लॉन्च की है लेकिन उन्हें अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो बाकी अगर अच्छा रिस्पांस मिल गया बात होने दो, तो तू बाइक्स को बात तो करने दे, कर ली गल। बड़ी फीचर्स उन्होंने अपनी कार्स बनाई है, जैसे टाटा नैनो ने बनाई है, इसी तरह उन्होंने बड़ी फीचर्स कार्स बनाई है जिसमें यूनाइटेड है और एक और मेरा सुपरस्टार ने भी बना दी है। सुपरस्टार है कौन सी यार, सुपरस्टार गाड़ी बना दी देसी कलाकार तो उन्होंने बना दी है लोकल मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन अभी उनकी मार्केट वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है जितनी मारुति सुजुकी 800 की है। हाँ जी। अच्छा और मैं गल करने लगा कि मैं तुम्हें एक गल कर आपको ये बार बताने लगा था कि जिस चीज पे मैंने बाइक के अलावा जिस चीज पे भी हमने रिएक्ट किया है ना, जिस जो भी वीडियो देखी है वो वाकई ही बागबान और हैरान कर देती है कि हमारी सोच से बढ़ाता होती है कि यार इतना सस्ता, इतना सस्ता। और ऐसे में ये पूछ रहा हूँ कि इनके ये जो आपने गिफ्ट सिटी बनाई है या बना रहे हैं, इतना बाग कमाल शहर बना रहे हैं, इतना प्यारा क्लीन एंड क्लियर शहर है, इसमें हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ की खूबसूरती है, इसमें कोई शक नहीं, मगर इसके क्या प्राइस होंगे? क्योंकि वो हमें अपने लिए तो चाहिए नहीं, आपके जैसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलोअर्स हैं नहीं जिनकी नॉलेज के लिए, इसे भी चाहिए क्योंकि जेजे भाई सोच रहे हैं, ये कह रहे हैं जेजे भाई को ड्यूल नेशनलिटी नहीं मिल सकती, नहीं नेशनलिटी, जेजे भाई आने वाले जो हैं वो एमएलए एमपी हो सकते हैं, एक वक्त होगा, एक वक्त होगा। नहीं एक और मसला है ना आपके, नहीं एक और मसला है, जेजे भाई सेकंड मैरिज का भी सोच रहे हैं ना, इन्हें ऑफर्स हो रही हैं, ऑफर इंडिया में जाएंगे फिर जेजे भाई तो सर में जाऊंगा यार, ऑफर तो ऑफर तो आती रहती है, आप किस परिवार ना करना इनकी मर्जी है। जेजे भाई आप किस परिवार में जाना चाहेंगे? बती राजपूत जी, काफी सारे लोग हैं वहाँ, राजपूत जाएंगे आपको, चौधरी भी हैं, राजपूत पट्टी भी हैं, राजपूत पट्टी जी मिल जाएंगे जी, राज ते भूत ते पट्टी, एक बंदे ने कहा था ये मिक्स होता है तो ये मिक्सिंग, तो जैसे मूवी हम बनाते थे ना तो मिक्सिंग करते थे जी जी तो कुछ इधर से उठा लिया कुछ उधर से उठा लिया ये मिक्सिंग। तो मेन मसला, मेन पॉइंट पे हम फिर आते हैं कि ये जो गिफ्ट सिटी बनी है ना वाकई ही बाकमाल है। इंशाल्लाह एक वक्त होगा जब हम आएंगे इंडिया में, देखेंगे इंडिया आके। अच्छा तो जेजे भाई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं अपने व्यूअर से, अगर हम इंडिया आना चाहें तो हमें जो वीज़ा मिलेगा वो किन किन सिटीज का मिलेगा? भाई आपको मल्टीपल बिजनेस वीजा, मल्टीपल बिजनेस वीजा, क्योंकि पाकिस्तान से या इंडिया से इधर उधर होता ही नहीं है ट्रेड, बिजनेस वीजा तो होएगा नहीं भाई, उसमें पता क्या मिलेगा आपको, विजिट वीजा मिलेगा ना, उन काफी सारे एरियाज होते हैं, जैसे आपको दो तीन शहरों का मिल गया ना, आप उससे आगे पीछे नहीं जा सकते। तो ऐसा जेजे भाई की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, जेजे भाई जो हैं वो हर राज्य में जाना चाहेंगे, हर राज्य में जाना चाहेंगे, हिंदी सही बोले भाई। तो जेजे भाई सबसे पहले तो मैं राजपूत पति के घर जाना चाहता हूँ उसके बाद में हर राज्य में जाना चाहूंगा। जेजे भाई को आप जितने भी राजपूत इंडिया में हैं आप काफी सारी इनकी जेजे भाई की खिदमत कीजिएगा। जेजे भाई भाई वो इधर जो राजपूत पट्टी है ना उधर जाना चाहता है, उसके बाद अगला स्टेप है वो तो मुझे इंडिया के, तो बाद तो मुझे पासपोर्ट मिलेगा, मेरा वीजा लगेगा इधर, तब मैं जाऊंगा ना। अब जो हमारे पास कुंडी ना कड़कास होने सीधा अंदर आ। अच्छा जी तो बाकी तो आपको अगर ये सस्ती है ना जगह तो मेरा मशवरा अभी जाओ इन्वेस्ट करो, जल्दी जाओ अगर आपके पास पैसा, डेवलपमेंट काफी हुई है, डेवलपमेंट कर लो, इन्वेस्ट कर लो और अपने नाम करवाओ, तो एक वक्त होगा यही। और जी गिफ्ट सिटी वालों ने हमें कोई एडवर्टाइजमेंट के पैसे नहीं दिए, आप ये ना समझिएगा शायद गिफ्ट सिटी वालों ने हमें, नहीं हमें प्यारी लगी है, वाकई रियल में प्यारी लगी है, उसके व्यूज बड़े कमाल के हैं, रोड बड़े कमाल के हैं यार, मैं कह रहा हूँ उसकी बिल्डिंग बड़ी कमाल की है, और सलाम है आप लोगों को जिन्होंने ये स्केच बनाया, नक्शा बनाया है कहाँ पे क्या फिट करना है। वाकई तो आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।